हाय गाइस, तो फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन का रिएक्शन, जिसमें हम यानी कि जितने भी रिएक्शन वीडियोस हैं उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो एक ये रिएक्शन यूट्यूब चैनल है जो कि मैजिक फ्लिक्स के नाम से है, ठीक है। ये वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं हमारी, ठीक है। तो ये जो है यानी ये इन्होंने अभी वीडियो दिए, रिएक्शन दिए है राजपाल यादव के कॉमेडी सीन्स पे। टॉप कॉमेडी सीन्स का रिएक्शन है, चलो देखते हैं क्या रिएक्शन क्या बनाया है उन्होंने। प्लीज वेलकम। ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और इनके यानी कि पता नहीं तीन चार बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है, ठीक है। या आपको लग नहीं रहा होगा ये इतने यंग लगते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी इनकी यानी कि बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मेरे ख्याल से 17-18 साल की बेटियां हैं, ठीक है। और एक छोटा बेटा भी है, और मेरे ख्याल ये और ये क्या कहते हैं, ये मॉडल्स भी हैं, यानी कि मॉडल रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं, ठीक है। और ये इंडिया से हैं और अभी ये रहते यूके में। Back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today, guys, we are watching a सुरीत और Rajpal Yadav स्टीवी के। comedy scene. But before we do so, guys, if you haven't already subscribed, then please do so. Hit the हाँ भाई लोग, यार हमारे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। like button as well and share with people you know. We also have a vlogging channel which is called Cool Our Touch, and we are now on Patreon, and also we have another Yeah, the YouTube YouTube membership, membership. if Yeah. you want to join इंस्टाग्राम us, फेसबुक different और perks, different things. इंस्टाग्राम फेसबुक पैट्रियन जो जो है इन सब का भाई सब, और ये यूट्यूब पे ज्वाइन जो भी है आप। Yeah, Rajpal Yadav comedy scenes. We're going to check this one out. I was going to say, look, if I end up starting crying all that, right? It's not because I'm crying at the scene. Sweet's done the durga, Oh, and it's actually, I was still quite surprised she's it's going. cooking, and I can already feel my eyes, like with the I'm the one bias and who's stuff been like doing the that. durga, Yeah, and but I can feel it coming, kind of thing. So if you're like looking at this, like this is a comedy scene here, Ron Kiola I tears in did. his eyes. Yeah. It's not because I'm The getting onions were really strong. onions are strong, so they just in case before I let you guys know. Yeah, another scene. I'm making chicken, by the way, guys. Chicken korma. Yeah, let's check this one out. Okay, here we go. अच्छा, ये जो मूवीज के जो कॉमेडी सीन्स हैं उनके ऊपर उनकी कंपाइलेशन होगी मेरे ख्याल से। एवरीथिंग विल बी फाइन सर। हेलो मैडम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। दिस इज गोपीनाथ सीनियर जर्नलिस्ट स्पीकिंग। जो होगा सो देखा जाएगा। तो बेटा चढ़ जा सूली पे। इंटरव्यू इंटरव्यू देने जा रहा है लग रहा है, उसकी रिहर्सल कर रहा है अपना, क्या क्या बोलना है रट के जा रहा है कुछ। That's you practicing That before is you come in so on this. weird. One, लग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। मैडम जी, दिस इज सीनियर जर्नलिस्ट गोपीनाथ स्पीकिंग फ्रॉम धौलपुर। धौलपुर मैडम जी, धौलपुर। वी मेड द बेस्ट स्वीट कार्ड छमछम। नो मैडम जी, आई डोंट वांट एनी वीजा। आई वांट टू टॉक टू योर बॉस। मेरा मतलब इंस्पेक्टर जनरल जी। नो 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 नो, इट्स अ अच्छा, मेरे ख्याल से ये मैंने मूवी देखी नहीं है। ये मेरे ख्याल से किसी फॉरेन में किसी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से बात कर रहा है, और कुछ अपने विलेज में कुछ रिपोर्टर है, तो फिर कुछ उसके कुछ हुआ होगा तो उसके बारे में बताना चाह रहा कॉन्सुलेट जनरल जी। Do you have an appointment? नो 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 मैडम, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाऊं इसको? मैडम जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? अब ये कैन यू स्पीक हिंदी लिटिल लिटिल? या अ लिटिल बिट। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। माँ सरस्वती आपको बहुत प्यारा सा पति और उससे भी प्यारा बेटा दे। अरे मैडम जी, आप दूधो ना पूतो फलो। कैन आई, मैं जॉर्ज बुश का नंबर ले सकता हूँ? मोबाइल नंबर? जॉर्ज उसका नंबर लेने के लिए इसने फोन किया है। Who?
George Bush, madam ji, you don't know, you should know. It's the president of United States of America. Madam ji, you know, मुझे बहुत important बात बतानी है. It's very very important for me. George Bush की life बन जाएगी. Hello? George Bush की life बन जाएगी. Hello? George Bush. लाइव बन गयो. नमस्ते अंकल जी. खदर खान. मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी. हाँ अंकल. अच्छा ये वो वाली फिल्म है, नाम क्या है इसका, जिसमें सलमान खान और ये होता है. दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से. ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, ऐसा कहो मेरे मुंह ना लगे. अंकल इतने चुप क्यों है? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है. बात अरे चुप कर. अंकल जी मैं सनी खुराना साहब का बेटा. कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना. गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है. हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है. और नुक्कड़ पे अगर वो मुड़ जाती है. दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती है. और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो. दीदेन के यार के घर में. कौन यार? खोसला साहब. अभी तो खुराना बोला. ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू. टेस्ट कर रहा था. अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका. अंकल लौंडा, ये भी झूठ. देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे. यस. वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ. अंकल जी ये रह सकता. वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ. बहुत गुस्सा कर दे, बजा नहीं हो दे. अब बोल यहीं पे रुक जाओ. आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं कम से कम. आज आप गूंगे यानी किसी दिन ये गूंगा होता है, किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ होता है. झगड़ा तो नहीं होगा? आंटी जी रिश्तेदार तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी. सनी सनी नहीं शनी. चुप रे चुप. अंकल जी आपको मेरी कसम आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया. अरे अंकल जी को खुद नहीं पता वो आंटी को क्या. आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना. और मैं जरा मुझे कमरा बता दो दूसरे मोहल्ले में, चलो मैं छोड़ के आता हूँ. गेंद पकड़ से ले गया ऊपर. Introducing the new Whiskas Mackerel Fish Range. Actually, quite funny, right? अरे ये तो शॉप की छोटी लिमलक की गोली है. चनीली है. अच्छा अब ये दूसरी मूवी का दूसरा सीन शुरू हो गया. लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? They should put a title of the movie or what it's from, yeah. Look at how he looks, eh? No, look how bright his top is. Namaskar. हाँ जी. ओ चिट्ठी है आपके लिए. लगता है गौरव ने भेजा है. बजानिया लगती है. जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए. इसके बगैर मैं पैर नहीं हिलाऊंगा. हाथों हाथ चाहिए. 2 मिनट रुके. हाथों हाथ जवाब मिल जाए. थैंक यू. मेरे ख्याल से थप्पड़ मारेगी. वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? लंगूर. हेलो पुलिस स्टेशन. क्या खूब है. एमी पट जांदा. लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है? अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ. कौन है अकल का पुतला, कान का उल्लू, जबान का. ये तो वो है नाम क्या जो कॉमेडी सर्कस में जज बनती है. कीड़ा है जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्ता देता है, वो भी शरीफ औरतों का. यही है वो बदमाश. और ये रही चिट्ठी. I don't know what is wrong with Bajaniya. Oh, chakka! Chitti ke chachere bhai! Akad
भूल गया, ऊंट की गर्दन खो जाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दू लोगों का मानना था कि ये बाबा जिसको भी गंदा गंदा गाली देता था ना, वो लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। After all, this is our India. What? तेरे बाबा की गाली के चक्कर में रो रही। क्या हुआ आपा? फायदा है। क्यों रो रही हो? अरे देखो ना साजिद भाई, बाबा ने एक भी गाली नहीं दी। गंदा तो फिर कम ही। अगर दो चार गाली दे देते तो बाबा का क्या चला जाता। अरे ये नाच पीटा कम से कम दसवीं में पास तो हो जाता। अरे ये कमीने ने साल भर पढ़ाई नहीं की। अगर थोड़ा पढ़ा होता तो कम से कम पास तो हो जाता। अब तो बाबा ने भी गाली नहीं दी, अब तो फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। चल सुना, लड़के ने पढ़ाई नहीं की इसलिए गाली बाबा को मालूम पड़ गया, गाली नहीं दी क्योंकि जानता है गाली देने के बाद घंटा पास होने वाला है। तेरे बाबा पब्लिक को देख के पूरी बनता है। तो एक दिन बाबा को बचपन में बाबा के बाप ने बीड़ी पीते हुए देख लिया, घर ले गया, दे थुड़ाई। बाबा को भी आ गया गुस्सा, एकदम मुंह फूट अपने बाप को ही मां बहन गाली दे डाली। अपने बाप को गाली और क्या जितने का नंद। दूसरे दिन बाबा के बाप की 1,000 रुपए की लॉटरी लग गई। आप बोल, शहर में हर रोज किसी न किसी को लॉटरी लगती है क्योंकि लॉटरी खेलने वाला हर रोज घर वाले की गाली खाता रहता है। तो क्या मेरे भाई घर वाले भी बाबा की तरह चमत्कारी हो गए? इसे समझो गाली ये भाई, तुम्हें बाबा के चमत्कार भरोसा नहीं है? चलो वापस चलो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। वैसे मेरी बीबी सुबह सुबह घर छोड़ के चाहिए, मेरे ख्याल से ये रिक्शे वाला है, उन्होंने को लेकर के आया बाबा के पास, ली गई है, उसको वापस मना के लाना है। चलिए देख क्या रहे लाइक, चल गाला देने वाला पापा। शुक्रान दोस्तों, अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कबूतर डिब्बे से खरगोश निकालना बहुत आसान है, मुझ पे जादू करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। भाई चैलेंज की बात कर रहा है, ठीक है लड़के, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ आ बेंच पर लेट जा। लेट जाता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा जादू है? जादू है नहीं, अभी होगा। मेहरबान, मैं अपनी छड़ी के जादू से इस लड़के को वहां पहुंचा दूंगा हवा में। अगर कोई आदमी छड़ी के सहारे हवा में लटक जाता तो कोई भी हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदता। आदमी छड़ी का इंतजार कर रहे होते, इतना ज्योतिष तो हमने भी पढ़ा है। तेरे सामने नादान जादूगर खड़ा है, चल आजा लेट जा यहाँ। तो आपका ये सेवक मेज पर पड़ा है, दिखाइए जा। बहुत बड़बड़ा है। हाँ लो लेट गया। ओम भीम श्री चामुंडा, अपनी छड़ी का जादू दिखलाए, लड़के को हवा में लटकाए। जादूगर से पंगा ना ले, भटक जाएगा जमीन का आदमी, हवा में लटक जाएगा। अरे जादूगर महाराज, मुझे विश्वास हो गया, अरे मैं इससे ज्यादा ऊपर लटका तो ऊपर ही चला जाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे नीचे उतारो। ठीक है तो टपा। I think more than the funniness, I was more impressed with the way he looks and changes in every single role. He doesn't, regardless of anything, he doesn't look that he's willing to, obviously from his dress sense to his hair to everything, he looks totally different in each of them. But he, each scene I've actually seen of his that you've got to see that we've done and stuff like that, he is one of the funny, him and Paresh Dhawan, those guys, and when they're both in together,
I just think that they just like master it. But I like people like when Akshay Kumar and them like come in the same scenes with them. I think when they come around Akshay with Paresh or Akshay with and any other actor like that, I think it enhances them. Not that they need it. I mean, they're quite funny in their own right. But working along with these other people that together, it makes it even more enjoyable, the whole scene and everything like that. But the first one was probably the funniest I found. On the phone one. Yeah. I mean, I laughed before it even started with his glasses. The second one I knew was Pitna Bas. But it's the Galam Denewala Baba, the one that I just thought, oh my gosh. You know what? And I was saying, you know what? People I was going to say, for Mirzapuri lejo, utitana gala in gala miliani, apatani kiki huna, you know. But there's so many weird like things out there that people believe in. Like, and I wouldn't be shocked if there is actually something like that that's actually true. Is there anything like that? I wouldn't be sure, because the things I've heard that people go on, you know, just to like sort their kids out, go to this baba, go to that baba, you know, and the things they have. ये तो बाबाओं के पीछे पड़ गए भाई, बाबाओं का discussion करने लग गए. एक बार comment section देख लेते हैं क्या चल रहा है इनकी comment section में. ठीक है. Come on guys, don't delay away, otherwise every day for sure. They are the gem of Bollywood comedy. ये बात तो सही है भाई. क्योंकि इसकी राजपाल यादव की बहुत बहुत बढ़िया कॉमेडी, यानी कि इसका एक पूरा पीरियड ही आया था जिसमें राजपाल यादव की बहुत सारी कॉमेडी की वीडियो आई थी. सबसे बढ़िया तो वो वाली है, वो सचिन चिटकुले वाली, जिसके अंदर क्या कहते हैं वो नहीं होता, क्या कहते हैं सचिन चिटकुले, क्या कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को मूवी का. ठीक है, जिसके अंदर वो होता है बुलडोजर लेकर के वो होता. अच्छा, वो बुलडोजर वाली तो मेरे ख्याल से उसकी है, उसके अंदर ये नहीं है ना शायद, वो अपनी जॉनी लीवर की है, इसकी नहीं है शायद, ये नहीं है उसमें. वैसे ये मूवी में तो है मेरे ख्याल से, राजपाल यादव उसमें, ठीक है. राजपाल यादव इज द बैकबोन ऑफ द कॉमेडी इन बॉलीवुड. जूम जूम सॉन्ग राधे टाइटल ट्रैक, रिएक्शन प्लीज द रिएक्शन, आतिफ असलम गीमा अवार्ड, प्लीज वॉच कसूर बाय प्रतीक. ठीक है, तो ये सब कौन कौन सा रिएक्शन बनाने हैं उसका कमेंट आया हुआ है. ठीक है, तो राजपाल यादव की कॉमेडी तो वैसे ही बढ़िया होती है, तो उसी के ऊपर इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है, और इनका जो यूट्यूब चैनल एक बार देख लेते हैं इनका क्या है. KGF के इंट्रो सीन के ऊपर वो करा हुआ है. ठीक है, तो इनके यानी कि इनके 373K वीडियो सब्सक्राइबर्स हैं. ठीक है, और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो है, और मेरे ये मेरे ख्याल से वो भी बनाते हैं ब्लॉग या फिर कुछ वैसे करके. ठीक है, और मेरे ख्याल से इनका एक और चैनल है जिसमें ये खाना वाना भी पकाते हैं या फिर इसी चैनल पे पकाते हैं. इन्होंने बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस हैं और सही डिस्कशन है, और क्या फॉरेन में रह रहे हैं अपना यूके में. ठीक है, और पंजाब की साइड से हैं क्योंकि ये पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, और भाई को तो पंजाबी लैंग्वेज आती भी है, यानी कि कितने 95% तो आती है, 90% 95%, और सुरीत को मेरे ख्याल से 80% आती है पंजाबी लैंग्वेज. ठीक है, यानी कुछ वर्ड उसे मेरे ख्याल से समझ नहीं आते या फिर बोल नहीं पाती है. ओके, और पंजाबी क्या मेरे को तो खुद इतनी ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, लेकिन अपना वो दिल्ली वाली पंजाबी आती है, जो दिल्ली में जो अपनी पंजाबी होती है, जो आधी से भी आधी 10% जो पंजाबी होती है. और भाई तो पंजाब का ही है, तो फिर पूरी पंजाबी इन्होंने इनकी पहले पंजाबी की जो सॉन्ग्स होते हैं उस पर भी रिएक्शन हो रखे होते हैं, क्योंकि सारा कुछ ना पंजाबी की भी जो वीडियोस होती है उसे देख करके फिर समझाना पड़ता है सुरीत को. ठीक है, और ये जो बच्चे हैं वो सब उन सबको तो सब तो वहीं के पढ़े हुए हैं, तो उनको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं आती है. तो ये है, यूके में रहते हैं और ये अपना इनका रिएक्शन चैनल है, और दोनों मॉडल भी हैं, और ये यानी कि बहुत पेरेंट्स भी हैं. ठीक है, और यही है इनका. तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम रिएक्शन वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को. ठीक है, और बाय बाय.